हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। तो एज एक्सपेक्टेड हमें रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेशन था बैंक निफ्टी में, वो ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। आज लगभग हम 350 पॉइंट नीचे बंद हुए 1% लॉस के साथ 36,100 के अराउंड। तो यहाँ मैंने कहा था मेरे वीकली एनालिसिस में कि जो है तो 35,700 के अराउंड जो है तो बैंक निफ्टी बेस्ट बाय रहेगा। तो उसके तरफ ऑलरेडी हम रिट्रेसमेंट देख चुके हैं और शायद आज जो है तो आज हमने लो लगाया था लगभग 35,900 के अराउंड। तो यहाँ जो है तो अगर 35,600 के अराउंड बैंक निफ्टी मिलता है तो यहाँ लॉन्ग कीजिएगा। यहाँ जो है तो वहाँ से आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। और यहाँ मेरा जो बाय ऑन डिप्स व्यू था वो इंटैक्ट रहेगा। हम सिर्फ नीचे के लेवल का वेट करेंगे, अगर नीचे के लेवल मिलते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करेंगे बैंक निफ्टी में। और इस वीक की शुरुआत हमने नेगेटिव ज़रूर की है, पर मुझे लगता है कि हम जो है तो हाई पर जाकर बंद हो गए। और यहाँ जो है मगर आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना होगा क्योंकि एनवायरनमेंट जो है तो बहुत ही वोलेटाइल है, ओवर नाइट कुछ भी हो सकता है। और यहाँ ऑलरेडी जैसे मैंने कहा था कि वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि आज 9% वीक्स में बढ़त आ चुकी है। तो ये वोलेटिलिटी आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगी, मगर मुझे लगता है कि इस वीक हम जो है तो हाई पर जाकर बंद होंगे। तो अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे 35,700 की तरफ बढ़ रहा है। हमने जो 36,000 का जो टारगेट रखा था वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है, उसके ऊपर बंद हुए हैं। मगर हो सकता है कि कल फिर से हमें जो है तो एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिले या फिर नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिले और फिर जाकर ऊपर जाकर बंद हो रिकवरी के साथ बैंक निफ्टी। तो यहाँ हम लॉन्ग करेंगे बैंक निफ्टी में 35,600-700 के अराउंड। और स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा वो रहेगा लगभग 300 के नीचे, 35,300 के नीचे जो है तो स्टॉप लॉस लगाएंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 36,700 से लेकर 37,100 के टारगेट हम स्विंग टारगेट पकड़ के चलेंगे फॉर द वीक। तो इस वीक हम लॉन्ग पे ही जोर देंगे। इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बट आई मोस्टली प्रीफर लॉन्ग। और वो भी पोजिशनल लॉन्ग करेंगे विथ 6 स्टॉप लॉस, वो भी लेवल पर आने पर। अभी देखते हैं आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने शुरू में ही प्रॉफिट बुकिंग देखी और अभी यहाँ जो है तो हमने जैसे दिख रहा है चार्ट पे हमने 200 आवर का और जो 20 आवर का एवरेज उसको टेस्ट करने के बाद रिवर्सल दिया है। तो यहाँ से भी बैंक निफ्टी में रिवर्सल आ सकता है। अगर आपने लॉन्ग किया है करंट लेवल पे तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 35,800 के नीचे। अगर अपने करंट लेवल पे या फिर इस लेवल पे बाय किया है तो 35,900 के अराउंड अगर लॉन्ग किया है अपने तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 800 के नीचे होना चाहिए और जो टारगेट बनेंगे वो 36,600 और उसके बाद में 37,100 के टारगेट। ये टारगेट हमें इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2-3 दिन के लिए टारगेट है, ना कि कल के लिए। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा व्यू पोजिशनल रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कंसोलिडेशन चालू रह सकता है, मगर हम जो व्यू रखेंगे मार्केट पे वो बाय ऑन डिप्स रहेगा। और हम लेवल पर आता है मार्केट हमारे लेवल पे तो लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे विद अ 6 स्टॉप लॉस। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो आपको लॉन्ग करना है बैंक निफ्टी 35,600 और 700 के अराउंड। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 35,300 के नीचे। टारगेट सेम रहेंगे 36,600 और उसके बाद में जो है तो 37,100 के टारगेट हम बैंक निफ्टी पे पकड़ कर चलेंगे। तो करंट लेवल पे भी लॉन्ग कर सकते हो मगर इसका स्टॉप लॉस फिगर होने की ज़्यादा संभावना है क्योंकि यहाँ जो है तो मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा। लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड दोनों तरह के स्टॉप लॉस आपको ट्रिगर होते हैं देखेंगे। तो यहाँ वोलेटिलिटी की वजह से ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल रहेगा, मगर एक स्टांस लेना होगा और वो स्टांस रहेगा हमारा लॉन्ग साइड पे। हम जो है तो मेजर लेवल पे आता है बैंक निफ्टी तो लॉन्ग करेंगे और अच्छे खासे लॉन्ग बनाएंगे वहाँ 35,600-700 के अराउंड। स्टॉप लॉस 35,300, टारगेट 36,600, उसके बाद में 37,100 के टारगेट हम लेकर चलेंगे। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो मंथली जो ऑप्शन है उस पर फोकस कर सकते हो। और जो मैंने कहा था कि हम जो है तो मोस्टली आई विल प्रीफर एट द मनी ऑप्शन, तो हम 35,700 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस करेंगे, उस पर उसको जो है तो डिप्स पे बाय करने की और एक्यूमुलेशन करने की कोशिश करेंगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, सेम स्टॉप लॉस। अगर फ्यूचर जो है तो 35,300 के नीचे स्लिप करता है तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा
वो लेकर निकल जाएंगे। अगर बैंक निफ्टी जो है तो 36,600 और लगभग 37,100 पे जाता है, तो उस ऑप्शन में हमें लगभग 2x तक गेन देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा फोकस रहेगा 35,700 का जो कॉल ऑप्शन है मंथली एक्सपायरी का, उस पर हम फोकस करेंगे। उसको हम डिप्स पे एक्युमुलेशन करेंगे विद अ 6 स्टॉप लॉस, और टारगेट आते ही हम उसमें जो भी प्रॉफिट मिल रहा होगा वो लेकर निकल जाएंगे। और यहाँ जैसे विक्स बढ़ रहा है तो यहाँ आपको टाइम डिग्रेडेशन भी कम देखने को मिलेगा, तो यहाँ आपको उसका भी फायदा ऑप्शन बाइंग में मिलेगा। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो विद लाइव मार्केट फॉलोअप एंड सपोर्ट, तो मेरी जो प्रीमियम सर्विस है उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।